मेरा नाम आनंद बनकर हूँ और मैं दिवंगत सेल का अध्यक्ष हूँ बीजेपी का। बीजेपी फिर भी मेरा जो दिवंगत बांधव है यूसुफ जी, वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। अभी क्या होता है, देखो दिवंगत बांधव की जो बहुत सारे समस्या है वो ऊपर तो कोई उठाता नहीं है, उसका हल होता नहीं है। फिर भी पूरे भारत में एकमेव ऐसा है जो हमारे दोस्त जो है यूसुफ खान जी, वो लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो हमारा ऐसा कोई नहीं कि भाई हम ये पार्टी के वो पार्टी के, ऐसा कुछ नहीं है, ना संगठन कुछ नहीं है। फिर भी एक हमारा दिवंगत बांधव हमारे लिए कुछ मुद्दा उठाने के लिए, हमारी जो योजना के लिए है वो सब उठाने के लिए अगर आप कोई कदम उठाता है तो दिव्यांग बांधव का फर्ज बनता है कि उसको सपोर्ट करें। जितने भी हमारे दिव्यांग बांधव है उसको मैं अपील करता हूँ कि हमारे जो दोस्त है वो एक यूसुफ खान जी हैं, वो लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनको दिव्यांग लोगों ने सपोर्ट करना चाहिए, ये मेरा मानना है। देखो अभी बीजेपी का बोले तो मैं अभी इस वक्त मैं एक आम आदमी हूँ, मेरे दोस्त के लिए आया हूँ, इसमें कोई पद नहीं है, कोई मैं बीजेपी का भी प्रवक्ता बोल के मैं आया नहीं हूँ। मैं मेरा दोस्त के लिए आया हूँ, मेरा एक दिव्यांग बांधव लड़ रहा है उसके लिए आया हूँ। अभी अगर एक दिव्यांग बांधव हमारा लड़ता है या कोई मुद्दा उठाता है, उससे कोई हल होती है, तो हमारे दिव्यांग बांधव के लिए ही बहुत कुछ होता है। आपके क्षेत्र से आप यूसुफ खान का फुल सपोर्ट रहेगा? फुल सपोर्ट रहेगा। मेरे जो दिव्यांग बांधव अभी मैक्सिमम मुमरा से कलवा से कल्याण तक जो अमरनाथ तक जो है, बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में है। कम से कम 30-40 हज़ार मेरा जो दिव्यांग बांधव है उनको मैं अपील करता हूँ कि जो हमारे दिव्यांग बांधव ये लोकसभा लड़ रहे हैं उनको सपोर्ट होना चाहिए। जो भी आज समाज में जो दिव्यांग भाई है, जो उनके हक और न्याय के लिए हमारे जो भाई है यूसुफ भाई, वो हमेशा लड़ते हैं और लड़ते आ रहे हैं। इसके लिए उन्होंने जो भी निर्णय लिया है लोकसभा चुनाव के लिए, अपने हक और मांग के लिए लोकसभा में एक आध अपना आदमी जाना चाहिए, इसके लिए उन्होंने जो निर्णय लिया है वो सही है। और उनके निर्णय में हम समर्थन देने के लिए थाना से हमारे दिव्यांग भाईजन के माध्यम से हम लोग इधर आए हैं, प्रहार जनशक्ति पक्ष के माध्यम से हम उनको पूरा सहयोग देने के लिए हम यहाँ तक आ गए। मैं आज जो खड़ा हुआ हूँ दिव्यांग होने के बाद में भी आज मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ, वो एक ही मकसद है कि हमारे दिव्यांग भाइयों के लिए कायदा बनाए 2016 का, जो पूरी तरह से अमल वजनी में इधर की सरकार नहीं रख रही है। इतना कायदा होने के बाद भी आज दिव्यांग हमारे बहुत सारे दिव्यांग भीख मांगने में मजबूर है। अगर इन्होंने ये कायदा अमल में लाया तो हमारे दिव्यांग आज भूखे नहीं मरेंगे, ना भीख मांगेंगे, हक से जिएंगे। जबकि हमारा कायदा है समान संधि हक, मतलब जैसे एक जनरल एक सामान्य नागरिक रहता है उसी तरह से हमें भी जीने का अधिकार पूरा है। कायदे ने बनाया है, संविधान ने बनाया, मगर आज हमें वो हक नहीं मिल रहा है, इसलिए हम ये खुद लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई सिर्फ दिव्यांग तक सीमित नहीं है, हमारे गरीब लोग जो है, यूएन कन्वेंशन हुआ था, यूएन जब हमारा बंटवारा हुआ था जब यूएन कन्वेंशन हुआ था, यूएन कन्वेंशन के मुताबिक हमारे भारतीय हर नागरिक को अन्न वस्त्र निवारा ये देने के लिए उन्होंने एक करारनामा किया था, जिसकी अमलबजनी आज तक नहीं हो पा रही है। आप देख रहे हो इन लोग, ये कुछ झूठे लोग है जो 5-5 किलो अन्न दे के लोगों को आप गुमराह कर रहे, जबकि 5 किलो अन्न वो नागरिक नहीं खाता है, वो फेंक देता है। क्यों फेंक देता है कि वो खड़ा हुआ रहता है, कोई उस पर दम नहीं है ये अनाज के अंदर। इसलिए आज मैं चाहता हूँ अगर मुझे इन लोगों ने चुन के दिया, अगर कल्याण लोकसभा मतदार संघ के लोगों ने मुझे चुन के दिया, तो मैं 100% गरीबों के लिए काम आऊँगा और दिव्यांगों के काम आऊँगा। अभी तक आप लोगों ने अमीरों को जीत के दिया, जिनके पास खरबों रुपए है उनको आपने जीत के दिया, गरीब करके दिव्यांग को जीता के दो। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, भगवान ने चाहा, तो हम लोग उनके लिए बहुत सारे कर सकते। अगर मैं एक कोई पद पे नहीं रह के फिर आज दिव्यांगों के लिए, गरीबों के लिए, हक के लिए लड़ता हूँ। और ये मेरे भाई जैसे आनंद बनकर साहब और पाचंडे साहब, ये आके थाना से मुझे आज मदद करते हैं इन लोग, तो अगर इन लोग ने मुझे साथ दिया तो 100% मैं जीत के भी आ सकता हूँ।